Morning friends, I am Mohammad Naushad, HSC trainer in Dynamic Institution of Skill Development. आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सीरियस इशू के साथ हूँ और सीरियस टॉपिक है डेट इज निपाह वायरस. काफ़ी स्प्रेड हो चुका है और हर जगह आपको इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती होगी बट नॉट कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. सो टूडेज टॉपिक इज हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस डेडली निपाह वायरस. इससे कैसे प्रोटेक्शन अपने आप को दें, तो इसको आगे बढ़ने से पहले समझ लें, इसकी हिस्ट्री को जान लें. तो सबसे पहले निपाह वायरस जो मलेशिया में 1999 में इसका केस सामने आया था एंड उसके बाद इंडिया में 2001 में ये केस आया था एंड जहां पर 30 हेल्थ वर्कर्स एंड फ्यू विजिटर्स यू नो जस्ट केम इन कॉन्टेक्ट विद द सम विक्टिम्स. सो कुछ 30 ऐसे हेल्थ वर्कर थे और कुछ विजिटर्स थे जो पेशेंट थे निपाह वायरस के, उसके कॉन्टेक्ट में और ये ट्रांसमिशन हुआ. और उसके बाद अगर हम बात करें तो एवरी ईयर बांग्लादेश में निपाह वायरस के पेशेंट एंड वेस्ट बंगाल में निपाह वायरस के पेशेंट पाए जाते हैं. बट ये अभी बहुत ज़्यादा ये सरकार ने भी इस पर एडवाइजरी जारी किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बिहार गवर्नमेंट ने भी. क्यों? क्योंकि इसके पीछे आप जानते हैं केरला में एक ही घर में एक ही परिवार के 3 लोगों का डेथ और ये सारे निपाह वायरस से ही हुए. एंड इनफैक्ट उनसे मिलने जुलने वाले जितने लोग हैं उन पर भी सरकार ने अपनी पैनी नज़र बना रखी है, उन्हें भी केयर कर रखा है और उनमें भी ये सिम्टम पाया जा रहा है निपाह वायरस के. एंड ऑल्सो वेरी डेडली यू नो वट, जो उनके केयर कर रही थी जो नर्स है वो भी डेथ कर चुकी है. सो ये बहुत डेडली वायरस है और बहुत ज़्यादा फैल रहा है. तो बट अभी जाने समझे कि फैल कैसे रहा है निपाह वायरस. तो निपाह वायरस फैलने का सबसे बड़ा रीज़न है ये कि जो इन्फेक्टेड बैट हैं, इट मीन्स चमगादड़ हैं, उनके सलीवा से, उनके लार से, उनके सीमेन से, उनके यूरिन से ये फैलता है. एंड बहुत जगह मैंने पढ़ा है, देखा कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आए हैं मैसेज कि आप वो फल और फ्रूट्स ना खाएं, आई मीन जो जिसपे वर्ड्स के या जानवरों कटे हुए निशान हैं. बट आप जान लें इसको, सिर्फ वो फल फ्रूट्स ही डेंजर नहीं है जिसमें किसी बर्ड्स के खाए हुए निशान है, यानी बैट के खाए हुए निशान है, बल्कि वो भी फ्रूट्स हैं जो आप जानते नहीं हो इस चीज़ को, क्योंकि उसके यूरिन से, उसके सीमेन से भी ये फैल रहा है बैट के. इसका मतलब है कि जो आप फल फ्रूट्स जो दागी नहीं है, जो खाए हुए नहीं है, उसको तो आप खरीदना ही नहीं है, बल्कि वो फल फ्रूट जो फ्रेश दिख रहे हैं उसे भी अच्छी तरह से धोकर खाना है. मतलब आपको यूं ही नहीं खा लेना है कि उसमें दाग नहीं तो चलो इसे खा लेते हैं, ये बैट से फैल रहा है. एंड स्पेशली फल फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ सो बनाना से एंड डेट, खजूर एंड मैंगोज, ये 3 ऐसे फ्रूट्स जिससे बहुत ज़्यादा फैल रहा है. ये तो आप संभल कर खाएं, उसे चेक कर खरीदें मार्केट से, अगर दाग इसे छोड़ दें नहीं खरीदें, कटे हुए निशान पर नहीं खरीदना है, और अगर आप फ्रेश खरीद भी रहे तो अच्छी तरह से उसे धोकर खाएं. उसके बाद आप जानते हो तारी, तार का आई मीन खजूर का तारी, उससे भी ये फैल रहा है, तो उसे भी ना पिए, अभी छोड़ दें जब तक ये वायरस अभी है. उसके बाद उसके अलावा भी ये फैल रहा है जानवरों से, जैसे पिग से, सुअर के से भी ये फैल रहा है, उनमें भी ये पिग भी इन्फेक्टेड है इस बीमारी से, निपाह वायरस से. और ये वो लोग, उनमें ज़्यादा ट्रांसमिशन हो रहा है जो इसका पालन करते हैं, रख रखाव करते हैं. और ये पिग जब वो कफिंग करते हैं उनके साथ ये वायरस फैलता है, इट मीन्स ये कफिंग से, ह्यूमन के कफ से भी एक दूसरे ह्यूमन तक ये ट्रांसमिशन होगा. एंड ऑल्सो आप जब कॉमन वॉशरूम यूज़ करते हैं तो वहाँ भी ये फैलने का चांसेस बनता है. तो इसमें हमें ध्यान देना है एंड इसको समझने के लिए ये समझ सकते हैं, पहले सिम्टम जान लें कि इसका सिम्टम क्या है. तो सिम्टम ये है इस निपाह वायरस का कि सडनली फीवर आएगा, उसके बाद फीवर आने के बाद पेशेंट्स को सर्दी जुकाम भी होगा, खांसी भी होगा. उसके बाद और क्या होगा, पेशेंट 24 से 48 घंटे में कोमा में चला जाएगा, उसके ब्रेन स्वेलिंग हो जाएंगे, ओके, एंड कोमा में जाने के बाद फिर डेथ. ये और मैं आपको बता दूं कि अभी एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार अभी तक कोई परफेक्ट वैक्सीनेशन नहीं है निपाह वायरस का. इट मीन्स प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर. सो प्रोटेक्शन आपको लेना है. प्रोटेक्शन लेने के लिए मैंने आपको बात बताई. तो सबसे पहले अगर आपको पता चलता है कि कोई पेशेंट जो निपाह वायरस से है, इन्फेक्टेड है, उससे दूरी बनाएं एंड उसका बेड अलग करें, उसका टॉवल अलग करें, वॉशरूम यूज ना करें एंड हो सके तो जल्दी ही उसे हॉस्पिटलाइज करें. उसके बाद आप वैसे जगह से जाने, भीड़ वाले जाना जगह में जाने से बचें, भीड़ वाले जगह में जाने से बचें. उसके बाद वो फ्रूट फल जो केरला से इंपोर्ट हो रहा है उसे खाने से
एक्सपोर्ट हो रहा है, खाने से बचे। उसके बाद नॉर्मली आप जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ पर ही अभी कोशिश करें कि वैसे फल फ्रूट्स को ना खाएं, स्पेशली केला, आम, खजूर उसे ना खाएं जो कहीं से डैमेज दिख रहा है, कहीं पर दाग है किसी चीज़ का खाने का, उससे भी ये हो रहा है। उसके बाद मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ ये पिग और बैट से नहीं फैला, बल्कि जो फ्रूट्स पेड़ों से टूट कर गिर रहे हैं और वो अगर इन्फेक्टेड है तो जो आपके डोमेस्टिक कैटल हैं, जो आपके डोमेस्टिक पशु हैं, जो बाहर निकल रहे खा रहे हैं, वो भी इन्फेक्शन में आ जा रहे हैं। तो कोशिश अभी ये करना है कि जब तक ये वायरस पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता, आपके डोमेस्टिक कैटल को बाहर निकलने ना दें, घर में ही उसकी फीडिंग का इंतजाम करें। तो आपको ये समझना होगा निपा वायरस से बचने का कोई वैक्सीनेशन अभी तक तैयार हुआ नहीं है, तो इसका प्रोटेक्शन ही सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है। तो प्रोटेक्शन के लिए अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें एंड हाइजीनिक का थोड़ा ध्यान रखें। जब भी आप खाने के लिए बैठें, पीने के लिए बैठें, तो अपने हाथों को सही ढंग से, अच्छे ढंग से आप सैनिटाइज करें, धो लें, उसके बाद ही कुछ खाएं। क्योंकि ये वायरस क्या है मैं बताऊं कि आपके कफिंग से एंड आपके ब्रीथ इन एंड आउट से फैल रहा है। आप ब्रीथ कर रहे हो, सांस ले रहे हो, इससे भी ये फैलता है, ट्रांसमिशन होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, एक जानवर से इंसान में ये फैल रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको ये देखना होगा, समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि ये आपको उन्हीं जगह से आपको ध्यान रखना है जहाँ बैट या चमगादड़ या सुअर पाए जाते हैं, उन्हें दूर डिस्टेंस बनाना होगा, बट आपको ये भी ध्यान रखना होगा भीड़ भाड़ एरिया से बचना होगा, क्योंकि आपको पता नहीं किस इंसान में ये वायरस है। तो ये सब आप ध्यान रखें तो निपा से हम निपट सकते हैं। एंड आपको आप जाकर सर्च कर सकते हैं गूगल में, बिहार गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी जारी किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया है, गवर्नमेंट अपनी तरह से पूरी तरह से काम इस पर कर रही है, लेकिन हमारा भी कुछ बनता है प्रोटेक्शन के लिए, तो अपने तरफ से ये सारे प्रोटेक्शन करें और इस डेडली वायरस से हम निपट सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यू नो जस्ट दिस वीडियो एंड दिस इज वेरी सीरियस वीडियो, सो इसे आप देखें, इसे शेयर करें, लाइक करें एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, सेफ।